हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका कूल इंजीनियर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतने दिन तक वीडियो नहीं आई, लेकिन जब वीडियो आई है तो ऐसी है कि आप एकदम से देख के पागल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमने काम किया, तो बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी की बातें साथ ही करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी मार्किंग्स कर लेनी है। मार्किंग की आप टेंशन ना ले, सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं। तो अभी हम यहाँ पे हमने एक नया कटर परचेज़ किया था गाइज, उसे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे चला के देखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो किसी भी प्रकार के ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ ना करें जो कि आपकी सेहत के लिए या आपको हानि पहुँचा सकते हैं गाइज। तो आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, या आप किसी छोटे कटर से MDF को काट सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही सावधानी से आपको पीसेस कट कर लेने हैं। देखिए, सारे पीसेस हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। सारे पीसेस हमारे कट हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेंगे गाइज। और अभी हम जो स्पीकर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 3 वाट का 4 ओम का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से हमने उसका जो है मार्किंग ले ली यहाँ पे। और ये देखिए, सर्कल काटने की मैं बहुत अतरंगी मशीन लाया, कभी मैं इनका रिव्यू करूँगा। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आपके पास भी अगर आप छोटे हो तो मेरी बात सुन लो, यूज़ नहीं करोगे। उसके लिए मैं आपको एक ईजी मेथड बताता हूँ। आप सभी के घर में स्मार्टफोन तो होगा ही, और स्मार्टफोन के साथ उसका डब्बा भी आया होगा। तो कभी आप ध्यान से उसके डब्बे को देखेंगे तो वो भी MDF से ही बना होता है, और वो काफ़ी पतला होता है। वो MDF सीजर से बड़ी आसानी से कट जाएगा, और उसे आप जब चिपकाओगे तो काफ़ी मजबूत एक बक्सा बनेगा। तो आप उससे भी ब्लूटूथ स्पीकर ट्राई कर सकते हैं, आई बटन आपको मेरी एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने काफी पहले एक फोन के डब्बे से बनाया था, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपके लिए भले के लिए मैं बात बताता हूं, तो बात को माने। अगर आप छोटे हैं तो बिल्कुल भी ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज ना करें, ठीक है ना गाइज। तो अभी हम चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देखिए गाइज, अपने पार्ट्स कट जाने के बाद हम चिपकाएंगे इनको। चिपकाने के लिए मैं ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की है। मेरे पास अच्छी नहीं थी तो मैं यहाँ पे ग्लू ही यूज़ कर रहा हूँ। कई बार ये उतर जाएगी तो डरना नहीं, आप बार बार इसे चिपका सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसके बाद गाइज, यहाँ पे मैं रेगजीन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास रेगजीन नहीं है तो आप स्किन चढ़ा सकते हैं, जो फ़ोन वाली स्किन्स होती हैं वो चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रबड़ एडिसिव का यूज़ किया है, इसको लगा के रेगजीन से एक अच्छी सी प्रीमियम लुक आएगी गाइज। तभी आपको स्पीकर्स इतने कूल दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे रेगजीन को बड़े आराम से चिपका देंगे। इसके लिए मुझे बहुत सब्र करना पड़ा, बहुत घटिया ग्लू दे दी थी मैंने अभी शॉप से लेके आया था एक, तो कोई नहीं, जैसे जैसे करके हमने इसे चिपका दिया। अब बड़ी केयरफुल तरीके से देखिए, हमारा रेगजीन जो है वो चिपक चुका है। अभी रेगजीन चिपकाने के बाद हम इसका जो फ्रंट है यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। अभी पेंट क्यों किया, क्योंकि गाइज थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब हम इस पर मैश लगाएंगे, तो वो ब्राउन ब्राउन MDF नहीं दिखेगा। अब आप गाइज कहेंगे मैश कहाँ से लाए। तो गाइज, अभी आप घर के आपके घर में अगर RO है ना, RO की जो मेम्ब्रेन होती है, जब कभी ख़राब हो जाए उसे आप खोल के देखोगे, उसमें आपको ये मैश मिलेगी। अगर आपके पास मैश भी नहीं है तो आप सिंपल एक काला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास काला कपड़ा भी नहीं है तो नॉर्मल आप इसे पेंट करके भी स्पीकर लगाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। तो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास जो होता है हम वो आपको दिखाते हैं। और थोड़ा दिमाग अगर आप अपना भी चलाओगे तो आप अपना खुद का आइडिया लेके आ सकते हो। तो देखिए गाइज, अभी हमारे जो दोनों बॉक्स हैं वो एकदम अच्छे से रेडी हो गए हैं। इन बॉक्स को देखिए, काफ़ी अच्छी इनकी फिनिश आई है, हमने बड़े पेशेंस से काम किया, और हम चाहते हैं कि आप भी पेशेंस से ही काम करें इसे बनाते टाइम। यहाँ पे देखिए, स्पीकर्स जो थे इनके, अब हम कनेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। कनेक्शन डायग्राम आप बेफिक्र रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्जिंग मॉड्यूल है। चार्जिंग मॉड्यूल में देखिए, यहाँ पे B+ और B- क्या होता है, बैटरी टर्मिनल्स होते हैं। इसके अलावा जो साइड में होते हैं गाइज, वो पे आप देखोगे तो क्या लिखा है, आउट पॉजिटिव और आउट नेगेटिव। आउट पॉजिटिव आउट नेगेटिव जो है वो जाएगा आपके एम्पलीफायर में, और B+ B- जाएगा बैटरी में। बिल्कुल बहुत ईजी मैंने कनेक्शन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, जाके चेक करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, वीडियो को लाइक भी कर दें, और सपोर्ट करने के लिए कमेंट जरूर करें, जिससे मोटिवेशन बना रहे हमारा वीडियो बनाने का। और अभी देखिए, एम्पलीफायर पे भी बहुत ईजी मार्किंग दिया गाइज। यहाँ पर जो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं वो हम वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको स्विच भी मिल जाता है। इसके बाद गाइज, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अक्स है ये हमने पुराने ईयरफोन से ली है, आप भी ऐसे किसी ईयरफोन से इस अक्स को निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए गाइस, इसमें 3 होते हैं, एक ग्राउंड होता है, लेफ्ट राइट होता है, मैं आपको सारा बता देता हूँ। बेसिकली इसमें जो होता है गाइस, 4 वायर्स होती हैं, 4 कलर की। जो गोल्डन होता है वो ग्राउंड होता है, और बाकी 2 लेफ्ट राइट की होती हैं। तो ये जो रेड जो है गाइस, इसमें मैंने एक एरर था, साइड की हुई है, इसका जो है ये माइक की होती है। अभी हम यहाँ पर माइक यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए आपको ये रेड वायर गोल्डन के साथ ही ग्राउंड कनेक्ट करें, यानी कि ग्राउंड के साथ। यहाँ पर मेरी गलती थी, लेकिन ये मैंने करेक्ट कर दिया डायग्राम में, आप वहाँ पर जाके इसे देख लीजिएगा। इसी के साथ हमने स्पीकर सब लगा दिए हैं।
फटाफट से इन सब चीज़ों को पैकअप करते हैं अपने बॉक्स के अंदर, देन हम इसे चला के देखेंगे। उससे पहले गाइज मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हम इतने लेट वीडियो लेके आए हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम थोड़ा एग्ज़ाम्स के अंदर बिजी थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बैक टू बैक वीडियो लाएँ। और एक और आपसे आशा करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं, पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि आप क्या बनवाना चाहते हैं। जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट पर लाइक आएंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो भी बनाई जाए, ठीक है। तो इसके साथ देखिए गाइज, हमने बैटरी भी कर दी। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, यहाँ पे क्या है, हम बॉक्स बना रहे हैं, यही तो बेस देगा ना, यही बेस देगा। अब मार्केट वाले लोग हैं ना, वो बेस नहीं देते, लेकिन आप इसकी बेस सुनोगे फाड़ देगा सब कुछ। देखिए ये बॉक्स हम छोटा से छोटा कर रहे हैं ताकि जो इसकी जो एयर बनेगी बैक वाली वो बहुत अच्छे से निकले, इसलिए हम इसको ऐसा बना रहे हैं गाइज। तो बहुत अच्छे से आपको सील करना है इसको ग्लू गन से, ताकि एयर इधर उधर से निकले, जो ऊपर वाले प्लेट पे हमने ट्रायंगल बनाया है उसमें से निकल के, जो ऊपर जो हमने फ्रंट पे होल किया था वहाँ से निकले। तो इसी को बोलते हैं मतलब जो सब वूफर्स होते हैं हमारे, उसमें यही टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है गाइज। ऐसे हमने जो सब वूफर बनाया था पीछे साउंड बार वाला बड़ा, उसमें भी यही यूज़ किया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इसी के साथ अभी चार्जिंग मॉड्यूल को हम बेस पर चिपकाएंगे, और सारी वायरिंग वगैरह को जो मैंने आपको पहले करके दिखा दी, डायग्राम भी दे दिया, अभी मैं फटाफट से यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। देखिए गाइज दोनों चीज़ें हमने कर दी हैं बंद, ये देखिए बॉक्स हो गया बंद एकदम। और इसी के साथ हमारा स्पीकर जो है कंप्लीट हो गया है। जिसका फ्रंट का गाइज आपको वॉल्यूम वाला कैसे बनाया, तो सिंपल आपको एक बोतल का ढक्कन ले लेना है गाइज, और बोतल के ढक्कन में हॉट ग्लू डाल के और इस एम्पलीफायर को डाल देना है, जिससे आपका जो है वॉल्यूम का बन जाएगा, बहुत अच्छा बनता है। टेस्ट करते हैं इसको फटाफट से। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपका कोई भी सजेशन हो इस वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो आप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो। आगे आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम लाते रहेंगे, और फिर से आपसे एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी लेट वीडियो आ रही है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।